इकबाल और कमल पार्टनर हैं, 3:2 का रेशियो है, कमल की डेथ हुई है 3 मंथ्स आफ्टर द डेट ऑफ बैलेंस शीट, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को ये सब चीज़ें पाने का हक है, उसकी कैपिटल एज पर द लास्ट बैलेंस शीट, इंटरेस्ट ऑन अबव कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर द टाइम पीरियड ही वर्क्ड इन करंट ईयर विच इज़ बेस्ड ऑन द लास्ट ईयर प्रॉफिट, उसकी ड्राइंग दे रखी है 5,000 और उसका जो वो दे रखा है लास्ट ईयर का प्रॉफिट, वो आपको बता दूं बच्चों क्वेश्चन में 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, लेकिन हमें केवल लास्ट ईयर प्रॉफिट से मतलब है, जो कि 30,000 है, उसकी ड्राइंग 5,000 है और इसकी ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट निकलेगा वो 2% निकलेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम पीरियड। वैसे उसने 3 महीने काम किया है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते समय और प्रॉफिट निकालते समय काम आएगा, ठीक है बच्चों। तो उसकी कैपिटल है 40,000, 40,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकलेगा वो है 30% बच्चों, सॉरी 3%, तो 40,000 का 3% होता है 1200 पूरे साल का है, 3 महीने का 300 आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री यही होती है बच्चों, P&L एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कमल्स कैपिटल अकाउंट, आप लोग सिर्फ के मत लिखिएगा, कमल्स कैपिटल अकाउंट लिखिएगा। रही बात इसके प्रॉफिट की, तो पिछले साल का प्रॉफिट है 30,000, 30,000 पूरे साल का है तो 3 महीने का कितना होगा, 7,500 कर दीजिए 3,000 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो P&L एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कमल्स कैपिटल अकाउंट 30,000 पूरे साल का है, 3 महीने का 7,500 करेंगे तो 3,000 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। और इसकी ड्राइंग है 5,000 का इंटरेस्ट आएगा ड्राइंग पे, केवल जो आएगा वो 100 रुपये आएगा, ठीक है बच्चों। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री हो जाएगी कमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एक्सपेंस अकाउंट, ये आएगा 100 रुपये, और ड्राइंग की एंट्री होगी कमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट, वो है 5,000 रुपये। और कमल का जो फाइनल बैलेंस है वो कैसे निकाला जाएगा बच्चों, वही बताता हूँ मैं आप लोगों को। तो कमल का फाइनल बैलेंस है वो, उसकी कैपिटल है 40,000, उसमें 3,000 जोड़िए प्रॉफिट के, 300 जोड़िए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, तो 40,000 प्लस 3,000 43,000 प्लस 300 43,300 में से 5,100 माइनस कर दीजिए 38,200 आ जाएगा, 38,200 का कमल की कैपिटल से कमल के एग्जीक्यूटर में चला जाएगा पैसा, तो एंट्री होगी कमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कमल्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, और ये एंट्री होगी 38,200 से। तो इस तरह से एंट्री वाइज तो सारा कंप्लीट हो गया, अब रह गया केवल क्या करना रह गया बच्चों, केवल और केवल उसका कैपिटल अकाउंट बनाना कमल का, तो आइए वो भी देख लेते हैं। कमल का जो कैपिटल अकाउंट बनेगा बच्चों, उसमें कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस इधर आ जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है वो P&L एक्सपेंस के नाम से आ जाएगा 300, जो उसको प्रॉफिट दिया है वो भी P&L एक्सपेंस के नाम से आएगा 3,000, ड्राइंग के नाम से ही आएगी 5,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग P&L एक्सपेंस के नाम से आएगा बच्चों 100 रुपये, और जो पैसा फाइनल बैलेंस है वो कमल एग्जीक्यूटिव अकाउंट में चला जाएगा 38,200, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये 43,300 आपका टोटल दोनों तक लिख दीजिएगा, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों, उम्मीद है आपको समझ भी आ गया होगा।